भारत ने बुलाया तो बांग्लादेश को आना ही पड़ा, तो अमेरिका और इटली भारत की दवाइयां मांगने पर मजबूर हो चले हैं। साथ ही अब अमेरिकी इंजन्स नहीं बल्कि भारत ने इंजन्स का ठेका देसी HAL को दे दिया है। वहीं पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम भी भारत से ट्रेड नहीं करेंगे और अब तुर्की का हाल चीन जर्मनी जैसा करने की फिराक में है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की शुरुआत करें तो जहां आप देख रहे हैं बांग्लादेश में बहुत कुछ बदल रहा है। जहां मोहम्मद यूनिस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमाया था, फिर भारत ने भी अपने कुछ एक्सपोर्ट्स की राहत बांग्लादेश को दी थी। और इन सब में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जहां मोदी जी के बुलावे पर बांग्लादेश के नए नेता को आना पड़ गया है। दरअसल हाल ही में भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा भी लिया था। बता दें कि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता एक साथ किसी मंच पर नजर आ रहे हों। खास बात तो यह है कि इसमें चीन शामिल नहीं है जिससे वो पहले ही बौखला चुका है, जबकि इसमें अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया के देश मौजूद थे। जब इसमें आधी से ज्यादा दुनिया शामिल हो चुकी है तब जाकर चीन का इसमें ध्यान गया। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भारत के बुलावे पर इनका आना नहीं होगा, पर यहाँ भारत की बात टालना बांग्लादेश के लिए भी सही नहीं होता। यही नहीं, यहाँ भारत का मकसद एक ऐसा मंच बनाना है जहाँ भारत उन लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को आवाज देगा जिन्हें अनसुना कर दिया गया था। अब देखना यह है कि क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के अपने इस विचार में सफल होगा या नहीं। वहीं दूसरी ओर जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह भारत अपने बिजली के एक्सपोर्ट को लेकर पॉलिसी में बदलाव कर चुका है जिससे बांग्लादेश को बिजली का एक बड़ा संकट आता हुआ दिखाई देगा। आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिछले साल अप्रैल से मार्च तक भारत ने बांग्लादेश को 11,933.83 मिलियन यूनिट बिजली का निर्यात किया है जिसकी कीमत $1.03 बिलियन थी और ये भारत के कुल निर्यात का लगभग 9.3% है। और इससे पहले के साल में ये आंकड़ा $1.075 बिलियन था जो कुल निर्यात का 8.8% था। और इससे पहले के साल में तो बिजली निर्यात 5वें नंबर पर था लेकिन अब ये 2रे नंबर पर पहुंच चुका है। इससे आप साफ समझ सकते हैं भारत ने बांग्लादेश को $1 अरब से ज्यादा की चीजें बेची हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बिजली ही थी और अब भारत ने इसी के नियम बदल डाले हैं। वैसे ये भारत की शानदार कूटनीति है, वार भी ऐसी जगह किया है जहां यूनाइटेड नेशन तक इसे समझ नहीं पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये एक फैसला बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख देगा? अब जब यूनाइटेड नेशन की बात हो ही रही है तो एक डेवलपमेंट इससे भी निकल के आ रही है जहां संयुक्त राष्ट्र की एक टीम बांग्लादेश का दौरा करने वाली है, जहां हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उस पर ये टीम जांच करने वाली है। वैसे यहां पर मोहम्मद यूनिस की सरकार का फोकस शेख हसीना को घसीटना होगा, उनको UN की जांच के दायरे में लाना होगा ताकि वो भारत से उनको बांग्लादेश आसानी से ला सके, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की रिपोर्ट बनाता है तो उसमें तो मोहम्मद यूनिस खुद फंसते नजर आएंगे। अब देखना यह है कि यूनाइटेड नेशन की टीम सही में कुछ कर पाती है या उनको सिर्फ शेख हसीना को सजा हो उतना ही घुमाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, यूनाइटेड नेशन हिंदुओं के लिए आवाज बनेगा या वो बस हर बार की तरह एक तरफा ही फैसला देगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत की बड़ी छलांग को लेकर है जहां भारत अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। बता दें कि देश की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने अपने प्रमुख लड़ाकू विमान यानी कि सुखोई 30 MKI के लिए AL-31FP इंजन का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय जल्दी भारत को सुखोई 30 MKI के लिए 230 इंजन बनाने की डील पर साइन कर सकता है और ये डील 21,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। बता दें कि HAL इन इंजनों का निर्माण एकदम शुरुआती स्तर से करेगा यानी इन इंजनों के रॉ मटेरियल से लेकर इन्हें सुखोई फाइटर प्लेन्स में पुराने इंजन की जगह लगाने तक पूरा काम HAL ही करेगी और इन इंजन्स की डिलीवरी अगले कुछ सालों में शुरू भी हो जाएगी। वैसे यहाँ पर सुखोई को अभी 950 AL-31FP इंजन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर इंजन के साथ ही साथ रडार से लेकर नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से इन विमानों को लैस किया जाएगा। वहीं पहले चरण में करीब 100 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जहाँ एक तरफ दुनिया में अस्थिरता का माहौल फैला हुआ है तो बाकी दुनिया के देश जिनके पास सुखोई फाइटर जेट मौजूद है उनको रूस से ही इनके अपग्रेड या मेंटेनेंस के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनके विमान उड़ने लायक तक नहीं बचे हैं। लेकिन भारत ये सब कुछ पहले ही अपने देश में विकसित कर चुका है ताकि इस तरह की कोई भी दिक्कत आए तो भारत को रूस की तरफ ना देखना पड़े। आपने देख ही लिया होगा जहां हाल ही में जर्मनी ने भारत को इंजन देने में देरी की और फिर इंजन ही नहीं दिया
और यहाँ अमेरिका भी भारत के तेजस के इंजनों को लेकर टालमटोल कर रहा है और अब शायद वो और डिले होने वाला है। यही वजह है कि भारत इन सबको खुद ही बनाने में लगा है ताकि इन देशों का मुंह ना ताकना पड़े। वहीं नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान को लेकर है जिसको सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी। दरअसल पड़ोसी देश ने कहा है कि उसके भारत के साथ रिश्ते अगस्त 2019 से ही ठप पड़े हैं जब से भारत ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति खत्म कर दी थी। बता दें कि दोनों देशों के बीच अब कोई बातचीत या व्यापार नहीं हो रहा है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि वो अब भी उसी स्टैंड पर कायम है और ये फैसला पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक कदम के तौर पर उठाया था। वहीं आप देख सकते हैं पाकिस्तान जिसका भारत से ट्रेड रुका हुआ है तो सबसे बड़े घाटे में तो वो खुद है। यहाँ भारत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, भारत खुद भी कोई पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर इतनी अकड़ कहाँ से आ रखी है? यहाँ बांग्लादेश थोड़े में ही हिल चुका है मगर पाकिस्तान अलग ही सुर लगा रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये तुर्की से निकल के आ रही है जहाँ वो चीन के चंगुल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ जर्मनी का हाल हो चुका है। यही वजह है कि आज जर्मनी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण चीन पर उसकी अत्यधिक निर्भरता है। जर्मनी ने चीन को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साथी बना लिया था। चीन की कंपनियों ने जर्मनी में खूब पैसा लगाया और दोनों देशों के कारोबार एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़ गए। लेकिन अब समस्या यह है कि चीन की अपनी अर्थव्यवस्था खुद लड़खड़ा रही है जिसका सीधा असर जर्मनी पर पड़ रहा है और जैसा चीन ने जर्मनी के साथ किया है अब वैसा ही कुछ तुर्की के साथ होने में लगा है। दरअसल चीन ने तुर्की में हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, चीन की कंपनी गोंगफेंग लिथियम ने $500 मिलियन की बैटरी फैक्ट्री लगाई है और पिछले एक दो सालों की बात करें तो तुर्की में चीन ने ये सब बहुत तेजी से बढ़ा दिया है क्योंकि जब से भारत ने चीनी FDI पर रोक लगाई है। साथ ही चीन का जर्मनी से भी पत्ता साफ हो चुका है तो उसने बलि का बकरा तुर्की को बना लिया है और इसका झटका तुर्की को लग भी चुका है जहां उसने हाल ही में अपनी कार मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए चीन से आने वाली गाड़ियों पर 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है। आपको यहां क्या लगता है, चीन कहीं जाकर रुकेगा भी या वो अपने पैसे यूं ही झोंक झोंक कर दूसरे देशों की इकोनॉमी में तांडव लाता रहेगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये भारत के बड़े एक्सपोर्ट को लेकर है जिसमें अमेरिका इटली अब भारत पर ही निर्भर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारत तेजी से दवाओं का निर्यातक बनकर सामने आ रहा है और सरकार की मेहनत से देश में दवाओं का उत्पादन भी बढ़ रहा है और इसका सीधा फायदा देश को विदेशों में मिल रहा है। बता दें कि अमेरिका में बिकने वाली दवाओं में भारत अब तीसरे नंबर पर है और पहले इसी स्थान पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड बने हुए थे। साथ ही पिछले साल भारत ने अमेरिका को $9 अरब की दवाई बेची है जो साल 2022 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, यूरोप के देश इटली में भी भारतीय एंटीबायोटिक दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है और वहाँ भारत अब 10वें नंबर का सप्लायर बन चुका है। इसके अलावा जर्मनी में भारतीय MRI मशीनों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हालांकि अभी भी जर्मनी में ब्रिटेन का दबदबा है लेकिन भारत ने यहाँ भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अब सरकार ने दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर दी हैं जिससे इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है और भारत का लक्ष्य दवा के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बनना है और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है। मतलब यहाँ भारत पहले इन्हीं देशों पर निर्भर था और आज भारत ने इन्हीं देशों को अपने ऊपर निर्भर कर लिया है जो भारत की आत्मनिर्भरता की एक ऊंची छलांग को दर्शाता है। आप भारत की इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।